Hey guys, this is Ruchika. Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing extremely well. So now basically I'm in the car. We are heading towards Sagarkad. अगर आपको पता होगा या फिर मैप पे जाके सर्च कर लो, वो सिटी है हमारे बाजू में, एकदम बड़ी वाली सिटी वही है. मतलब वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है. हमारे गाँव में यूजली कपड़े वगैरह इतने अच्छे नहीं मिलते, मतलब मिलते ही नहीं है, ना के बराबर शॉप्स है, छोटी छोटी शॉप्स है. बट सगरगढ़ में बहुत सारी शॉप्स है, तो हम वहाँ जा रहे हैं. वहाँ से हम भाभी के लिए शॉपिंग करेंगे. सो लेट्स सी कुछ पसंद आता है कि नहीं. और अभी हमारे साथ है चिकू और मेरा कजिन भावेश, और पापा ड्राइव कर रहे हैं, और भूमि. सो या लेट्स सी तगरगंज में अभी क्या हाल है, क्योंकि इधर भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है. लाइक सुमेरपुर, शिवगंज, ये सब तो हाफ ऑफ तो बंद ही है, ऑलमोस्ट बंद ही है. पहले जितना भीड़ किधर भी नहीं होता है. बट लेट्स सी. एंड इधर भी 5 बजे बंद हो जाता है सब कुछ. मुंबई में 8 बजे बंद होता है, बट इधर 5 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता है. एंड दिस इज माई मास्क. अब बोलना नहीं कि मास्क नहीं डाल रही मैं मास्क डाल रही थी. मैंने ब्लॉक के लिए सिर्फ निकाला था, और गाड़ी तो बंद ही है, तो अभी मैं मास्क को डालूंगी. क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे लाइक जो भी कार में है सबको मास्क पहनना कंपलसरी है, वरना फाइन लग रहा है. इतने फाइन लग रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ. तो बेटर है मास्क पहनो, प्रिकॉशंस भी होंगे, बचोगे भी कोरोना से और फाइन से भी बचोगे. रिसेंटली हमें न्यूज़ मिली है कि मतलब मेरे कजन्स जिस जहाँ पे रहते हैं उस बिल्डिंग में भी कोरोना के केसेस हो गए हैं. एक की डेथ हो गई है कोरोना से, और मेरे कज़न के बाजू वाले को ही कोरोना हो गया. सो क्योंकि मतलब वो लोग सब लोग जमा हुए थे, एक की डेथ हुई थी तब वो लोग सब लोग जमा हुए थे, तो उनमें बहुत सारे जन को वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो गया है, बहुत सारे जन इन्फेक्टेड हो गए उससे. सो बेटर कि सब जन मास्क पहनो एंड मतलब प्रिकॉशंस लो, सैनिटाइजर वगैरह लगाओ. क्योंकि अभी हम लोग ने छोड़ दिया वो सब करना, इसके वजह से शायद इंडिया ने मतलब वैक्सीन बनाया, बट फिर भी अभी तक इंडिया के जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. अभी तक वैक्सीन्स नहीं लग गई है, बहुत सारे जन को नहीं लगी, इवन लगी ही नहीं है आधे जन को. तो तब तक प्रिकॉशंस लेना बहुत नेसेसरी, इवन वैक्सीन के बाद भी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है. सो या अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, बचना है तो फिर मास्क तो डालना ही पड़ेगा. एंड अब तो इसकी आदत ही हो जानी चाहिए, ये तो अपना एक लाइफ का पार्ट ही बन जाना चाहिए. जैसे कि कपड़े पहन के घर से बाहर निकलते वैसे ही मास्क पहन के निकला करो. नहीं
फाइनली हमको पसंद आ गए लहंगा और हमने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी शॉप्स बंद है। वो हमने खोल के शॉप खुलवाई थी तो भाभी के लिए लेना था। यहाँ पे जो शॉप्स रोज खुली रहती थी आज सब बंद है। गिनी चुनी दुकानें सिर्फ खुली है, बाकी सब कुछ बंद है यहाँ पे। खा ले अरे मत क्या हुआ? चिकू मत खा कि भाई छोड़। कॉस्मेटिक का सामान, ये भी कॉस्मेटिक का सामान, ये चॉकलेट्स, ये ड्राई फ्रूट्स और नीचे पता नहीं क्या था, ये फ्रूट, ये नारियल है और ये सब मिठाई है 4 किलो और ये लड्डू। ये सब गोल्ड की ज्वेलरी है और ये सिल्वर की है, ये कमर में पहनते हैं और ये पायल पैर के और ये गले में पहनते हैं, ये कान के, ये सिर पे जो रहता है शीश फूल टाइप्स और ये हाथ में डालते हैं। सो आई नो इस व्लॉग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, मतलब कभी मैं उस आउटफिट में, कभी उस आउटफिट में, कभी उसको वापस उस रिटर्न आउटफिट में, एंड अलग अलग डेज़ को मैंने रिकॉर्ड किया है बिकॉज मैं एक दिन कंटिन्यूस व्लॉग नहीं कर पाई, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली शादी का घर है तो बहुत सारे काम है, सो उसकी वजह से पूरे दिन एक साथ व्लॉग में नहीं कर पाई। आज कुछ पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, कल कुछ पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे हो गया। ऊपर से मैं डेली व्लॉगिंग तो कर नहीं रही, सो उसकी वजह से अलग अलग पार्ट्स रिकॉर्ड हुए। अभी से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मतलब एक साथ, मतलब एक दिन में ही पूरा व्लॉग रिकॉर्ड हो। ये मैंने 2-3 दिन
का व्लॉग एक साथ रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरे को व्लॉग बोरिंग भी नहीं रखना था और मुझे आपको बताना था कि मतलब मैंने क्या किया इतने दिन जो मैंने 4 दिन व्लॉग नहीं डाला। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करूँ। अगर आपको तभी के तभी जानना होता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो मैं इंस्टा पे फटाफट अपनी स्टोरीज डालती रहती हूँ, वहाँ पे लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें इंस्टाग्राम आई डी गो एंड फॉलो मी देयर, तो तभी के तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यूट्यूब पे आने को वो चीज़ टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसको एडिट करते हैं अपलोड करते हैं और इधर इंटरनेट का बहुत इशू है, सो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपसे वो ना लगे, और शादी का घर है सो थोड़ा यू नो आप भी समझोगे। सो यार that's it for today's video. If you like this video, please like, comment and share. Also subscribe to my channel for more such videos. Till then, take care of yourself, your families, your boyfriend, girlfriend and everyone whom you love and who loves you. Milte hain next video mein. Bye, see ya.